गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने लास्ट क्या पढ़ा था? संज्ञा, है ना। तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या होती है। तो आइए आज इस कुछ चित्र के माध्यम से उस संज्ञा के प्रत्यय को हम लोग और स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो संज्ञा तो मैंने आपको पहले बता ही दी थी, आइए आज उसको और एक चित्रों के माध्यम से जानते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दिख रहा है आपको एक पार्क दिखाई दे रहा है ना। एक क्या दिखाई दे रहा है, एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं, झूला है। तो देखिए पार्क में कितनी सारी चीजें है ना दिखाई दे रही हैं। चौकीदार दिखाई दे रहा है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सड़क दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, झूले दिखाई दे रहे हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, एक कोई आदमी भी देखिए वहाँ पर बैठा हुआ दूर सा दिखाई दे रहा है, और एक औरत देखिए बच्चे को ले जा रही है, एक माली है जो फूल लगा रहा है। तो चलिए हम लोग पार्क के अंदर चलते हैं और एक एक चीज को देखते हैं। तो अब हम लोग पार्क के अंदर देखा क्या हम लोगों ने, पहाड़। ये क्या बना है, पहाड़। और ये देखिए क्या है, पेड़। पेड़ दिखाई दे रहा है ना, उस पर क्या लगे हुए हैं, देखिए क्या लगे हैं, आम लगे हुए हैं। कितने सारे आम लगे हैं ना पेड़ पर। और क्या है पेड़ पर, चिड़िया भी है एक। तो पेड़ है, पेड़ के ऊपर क्या लगा है, आम और चिड़िया। फिर देखिए यहाँ क्या है, झूला दिखाई दिया, झूला। तो ये बच्चा झूल रहा है ना। ये बच्चा देखिए ऊपर से स्विंग करता हुआ नीचे आया है, झूला देखा आपने। ये क्या है, लड़का दिखा। फिर देखिए यहाँ दादाजी बैठे हुए हैं बेंच पर। कौन बैठे हैं, दादाजी। ये देखिए माताजी अपने बच्चे को लेकर जा रही हैं। कौन ले जा रहा है, माताजी लेकर जा रही है ना। ये देखिए दोनों लड़कियां आइसक्रीम खा रही हैं। तो ये दोनों क्या है, लड़कियां। फिर देखिए ये एक आदमी पेड़ लगा रहा है, इसको क्या कहेंगे, माली। तो माली क्या कर रहा है, पेड़ को लगा रहा है, पौधे को लगा रहा है ना। फिर ये देखिए दोनों बच्चे किससे खेल रहे हैं, ये इसने मारा, किससे खेल रहे हैं, दोनों गेंद से खेल रहे हैं, देखिए अपने गेंद। और ये देखिए फूलों के ऊपर क्या मंडरा रही है, ये आई तितली है ना। तो ये फूलों के ऊपर क्या मंडरा रही है, तितली। फिर देखिए कोई बच गया, ध्यान से देखिए, किसको नहीं देखा हम लोगों ने, देखा कौन, हाँ जिसको हम लोगों ने भी नहीं गिना, चौकीदार। तो ये कौन है, चौकीदार। अब पार्क के बाहर एक और चीज दिख रही है, क्या दिखाई दे रही है, सड़क। तो आपने ये सारी चीजें देखी ना पार्क के अंदर क्या क्या चीजें थी। तो आपने देखा कि हर चीज का कोई ना कोई नाम था, है ना। उन्हीं के नाम के जरिए तो हम उन्हें जानते हैं, वही उन्हें बताती है कि ये क्या चीज है। और वही सब जो नाम होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था। तो मैंने सोचा आज आपको पिक्चर दिखा के समझा दूं ताकि आप चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ जाएं। तो इन सभी के ये जो नाम थे यही क्या कहलाएंगी हमारी, यही हमारी संज्ञा कहलाती है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि संज्ञा क्या होता है, या संज्ञा हम किसे कहते हैं, नाम वाली हर चीज को क्या कहते हैं हम, संज्ञा। मतलब जिसका भी कोई नाम होता है उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अब देखिए नाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम में जैसे सचिन तेंदुलकर, देखिए दिखाई दे रहा है ना सचिन तेंदुलकर इसमें। अध्यापक, अध्यापक यानी कि जो आपके टीचर हैं उनको बोलते हैं। अब विनोद, विनोद देखिए व्यक्ति ही तो है। किसान, किसान भी एक व्यक्ति है। मदर टेरेसा, ये भी एक व्यक्ति के नाम में आएंगे। दर्जी, ये भी देखिए एक व्यक्ति है। महात्मा गांधी, हाँ सैनिक,
तो ये सब किसके नाम है? व्यक्तियों के ही तो नाम है। देखिए पिता, देख रहे हैं आप, पिता बच्चे के साथ खड़े हुए हैं ना, अपने बेटे के साथ। तो यहाँ हम लोगों ने जो भी नाम पढ़े, ये सारे क्या थे? ये सभी व्यक्तियों के नाम थे। नाम ही तो थे, तो ये सभी नाम भी क्या होगी? हमारी संज्ञा होगी। फिर इसके अलावा देखिए वस्तुओं के भी नाम होते हैं। अब वस्तुओं के नाम कैसे, आइए देखें। जैसे किताब, किताब एक वस्तु होती है। मेज, ये भी एक वस्तु होती है। जूता, ये भी एक वस्तु है। गिलास, ये भी एक वस्तु है। और इसका भी देखिए नाम है, घड़ी। ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, कंप्यूटर। लेकिन मैंने सोचा आज आपको चित्र दिखाकर अच्छे से बता दूँ। तो ये सब मोबाइल है ना, ये सब क्या है? ये सभी वस्तुओं के नाम है। ये देखिए अलमारी दिख रही। फिर देखिए टेलीविजन यानी कि टीवी। तो ये सब वस्तुओं के नाम है, ये भी हमारी क्या हुई? संज्ञा। अब हम लोग जानते हैं किसके नामों को। और क्या बताया था मैंने आपको? तो ये सारी चीजें तो पहले आप समझ, अभी हम लोगों ने क्या जाना? व्यक्तियों के नाम और वस्तुओं के नाम, ये दोनों चीज आपने देखी। अब चलिए हम लोग देखते हैं स्थानों के नाम को। तो स्थानों के नाम में जैसे क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे अभी घर, ये एक स्थान का नाम है। दुकान, ये भी एक स्थान का नाम है। पाठशाला, ये भी एक स्थान का नाम है। मॉल, शॉपिंग मॉल तो आपने देखा ही होगा। इंडिया गेट, ये भी स्थान का नाम है। गांव, तो ये सभी क्या है? स्थान के नाम है। इसके अलावा देखिए अस्पताल, ताजमहल और अक्षरधाम मंदिर, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे स्थानों के नाम है। और मैंने आपको क्या बताया था? नाम वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं, है ना? तो हम लोगों ने किसके किसके नाम पढ़े? व्यक्तियों के नाम, स्थान के नाम और वस्तुओं के नाम। अब देखते हैं प्राणियों के नाम। प्राणी कौन कौन से होते हैं? तो देखिए प्राणियों के नाम में जैसे मछली, तितली, ये देखिए प्राणियों के नाम में क्या क्या आया? मछली, तितली, बत्तख, बत्तख देखिए ना सबने, कुत्ता, देखिए शेर, जिराफ, ये सभी क्या है? प्राणी है, है ना? मोर, तोता, और ये देखिए क्या है? मक्खी, ये देखिए उड़ रही है, दिखाई दी आपको मक्खी? दिखाई दी ना, ये देखिए ब्लैक ब्लैक जो दिख रही है, देखी? तो ये सभी क्या है? ये सभी प्राणियों के नाम है। फिर यहाँ देखिए कुछ भावों के नाम, जैसे मेहनत, किसान देखिए यहाँ कितनी मेहनत कर रहा है ना खेत जोतने में, तो ये क्या कर रहा है? इतनी मेहनत कर रहा है। मेहनत क्या है? एक भाव है। और ये देखिए बच्चे कितने खुश है, खुशी दिख रही है ना ये बच्चे, इन लोगों की कितनी खुशी दिख रही है, ये लोग कूद रहे हैं। इनको देखिए पापा जी खड़े हैं बाहर, इन्हें कितनी गर्मी लग रही है, देखिए पंखे से हवा कर रहे हैं। और मम्मी जी को थकावट आ रही है, वो बेचारी खाना बनाते बनाते थक गई हैं। और देखिए दादी जी के पैरों में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है ना? और ये देखिए 15 अगस्त को हम लोगों को क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त हम लोग आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं ना, तो ये सभी हमारे क्या हो गए? भाव के नाम हो गए। मैं जैसे कि मेहनत, खुशी, गर्मी, थकावट, दर्द और आज़ादी, ये सारे शब्द अभी हमने पढ़े ना, तो ये सारे शब्द किसके थे? ये हाँ भाव के नाम थे, सारे भाव थे। तो ये सभी हमारे भाव वाचक संज्ञा हो गई। मैंने आपको बताया था ना, किसी भी वस्तु, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उन्हीं को हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है ना। अब देखिए संज्ञा मैंने आपको पहले भी बताई थी, किसी भी व्यक्ति,
पशु पक्षी का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम या किसी भी भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और अभी देखिए, हम लोगों ने व्यक्ति के नाम भी जाने, पशु पक्षी के नाम भी जाने, वस्तु के नाम भी जाने, स्थान के नाम भी जाने और भाव के नाम भी जाने। तो इन सभी के जितने जो नाम होते हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना, लेकिन आज जब आप चित्र को देखे देखा होगा आपने सारे चित्र को, तो आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या होती है। तो अब आप समझ गए होंगे है ना कि संज्ञा किसे कहते हैं। इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और इन सब के नामों को हम लोगों ने अभी देखा भी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, है ना, कि किसी भी व्यक्ति के नाम को, पशु पक्षी के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और हम लोगों ने व्यक्ति के नाम भी पढ़े, वस्तुओं के नाम भी पढ़े, स्थान के नाम भी पढ़े और प्राणी और भाव के नाम को भी पढ़े। अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य दिया है, पीपल पर कौआ बैठा है। देखिए इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना कि पीपल पे कौन बैठा है, पीपल पर कौआ बैठा है। मेज पर पुस्तक रखी है, देखिए यहाँ मेज रखी है, उसके ऊपर क्या रखी हुई है, उसके ऊपर पुस्तक रखी हुई है। कपिल और विनोद में गहरी मित्रता है, ये देखिए कपिल है और दूसरा वाला विनोद है, इन दोनों में क्या है, गहरी मित्रता है। देखिए दोनों हाथ भी मिला रहे हैं। अब ताजमहल आगरा में है, ताजमहल कहाँ है, ताजमहल आगरा में है ना। तो देखिए जो वाक्य हमने पढ़े उनमें पीपल, कौआ, मेज, पीपल, कौआ, मेज, पुस्तक, कपिल, विनोद, मित्रता, ताजमहल और आगरा, ये सभी क्या थे, हमारे संज्ञा शब्द थे। ये देखिए जितने हम लोग वाक्य जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा। इन वाक्यों में ये नाम आपको मिले थे ना, हाँ, तो ये सारे शब्द हमारे कौन से हो गए, संज्ञा शब्द। क्योंकि आपको देखिए मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे संज्ञा नहीं समझ में आई होगी। तो सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ना कि संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। और संज्ञा के कितने भेद मैंने बताए थे आपको, तीन, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो आज हमारा संज्ञा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और आपको ये बहुत अच्छी तरह से आ भी गया होगा, है ना। अब संज्ञा शब्द पाठ से अगर कोई भी प्रश्न उत्तर आएगा तो अब आप लोग उसे उसका आंसर दे लेंगे, है ना, अच्छे से। तो अब इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, ठीक है।